तो गुजरात के शिक्षा मंत्री जी एक तरह से मान रहे हैं कि उन्होंने वहां की शिक्षा व्यवस्था पे कोई काम नहीं किया और किया ही नहीं है, बल्कि करेंगे भी नहीं, और जिसको अच्छा नहीं लगता वो दिल्ली चला जाएगा। उनके इस स्टेटमेंट में एक तो अहंकार है कि देखो हम तो राजनीति में हैं, हम 27 साल से गुजरात की राजनीति में हैं और हमने कोई काम नहीं किया और करेंगे भी नहीं, आपको अच्छी शिक्षा चाहिए तो हमसे मत मांगो, कहीं और चले जाओ। और स्वीकृति है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने गुजरात के स्कूलों के लिए कॉलेजेस के लिए कुछ नहीं किया। कल मैंने इस पर एक ट्वीट किया था ये कहते हुए कि ये बयान बड़ा शर्मनाक है। उसके बाद करीब 4.5 लाख लोगों ने उसको ट्वीट किया अलग अलग तरीके से कि गुजरात के शिक्षा मंत्री नहीं जानते हैं कि गुजरात में शिक्षा का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है। उसको लेके युवाओं ने, खासतौर से गुजरात के युवाओं ने बहुत शोर मचाया सोशल मीडिया पे कि गुजरात के शिक्षा मंत्री को कुछ नहीं पता है कि गुजरात की शिक्षा का क्या हाल कर रखा है। बहुत सारे लोगों ने दिल्ली के एजुकेशन मॉडल पे भी कहा कि भाई उन्होंने देखा है गुजरात, दिल्ली के स्कूल आके, और गुजरात के स्कूल कहीं नहीं है। तो मैं एक तो गुजरात के शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भाई फिर जब आप गुजरात के स्कूलों को अच्छा नहीं करेंगे, गुजरात के कॉलेजेस को अच्छा नहीं करेंगे, गुजरात की शिक्षा पे कोई काम नहीं करेंगे और अहंकार से कहेंगे कि जिसको गुजरात की शिक्षा अच्छी लगती वो चला जाए गुजरात से बाहर, दिल्ली चला जाए, तो फिर आपका देश का, समाज का विजन क्या है, देश कैसे आगे बढ़ेगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। एक तो उनसे, उनके सामने मैं ये सवाल रखना चाहता हूं, और दूसरा मैं खुद भी देखना चाहता हूं कि आपने गुजरात में 27 सालों में शिक्षा में क्या काम किया है। मैं इसके लिए अगले मंडे को, आने वाले सोमवार को गुजरात के स्कूल देखने जाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि 27 साल में कुछ तो ऐसा काम किया होगा जो वो कह सकें कि ये हमने पिछले 27 साल में शिक्षा में किया है, और नहीं किया तो वहां का जनमानस तो मन बना चुका है कि अरविंद केजरीवाल जी को मौका देंगे।